नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर, जो कि निकल के आई है ICMR की तरफ से। यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये ICMR का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आने के बाद हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देख पा रहे होंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी में कई जगह के एम्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ICMR अहमदाबाद, उसके बाद ICMR भुवनेश्वर, ICMR भोपाल, ICMR मुंबई, ICMR कोलकाता। यहां से जो भी वैकेंसी निकाली गई सब परमानेंट वैकेंसी निकाली गई हैं। ICMR हैदराबाद, ICMR पटना। तो आइए हम लोग ICMR अहमदाबाद की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसे हम लोग रीड करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले से कर रखा है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे और ये आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। तो आइए हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन 5/7/2023 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहले नंबर पे आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 28 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज बात कर लें तो जनरल के लिए 14 सीटें हैं, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 2 सीटें हैं, OBC के लिए 9 सीटें हैं और EWS के लिए 3 और PWD के लिए 1 सीट निकाली गई है। वहीं बात कर लें पे लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। इसमें सैलरी जो है देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के समथिंग जो सैलरी है आपकी रहने वाली है। नंबर दो पोस्ट की बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, जिसमें टोटल वैकेंसी 16 है, जिसमें जनरल के लिए बात कर लें 5 सीटें हैं, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 3 सीटें हैं, OBC के लिए 5 सीटें हैं, EWS में 3 सीटें हैं, PWD में कोई सीट नहीं है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 2 की यानी 2, पे लेवल 2 की जॉब है, 19,900 से 63,200 तक सैलरी रहने वाली है। नंबर तीन जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जो सीटें हैं देख पा रहे होंगे टोटल सीटें 10 हैं, जनरल के लिए 5 सीटें हैं, SC में कोई सीट नहीं है, ST में 2 सीटें हैं, OBC में कोई सीटें नहीं है, EWS में 3 सीटें हैं। पे की लेवल की बात करें तो लेवल 1 की जॉब रहने वाली है, 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 54 सीट पर वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना तो आप दिए गए लिंक से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट मेंशन किया गया है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। 8/7/2023 से लेकर 4/8/2023 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड के द्वारा इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, ये डिटेल पोस्ट और क्या एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे TA यानी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगा गया है। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस
आपके पास होना चाहिए, या इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास से बीए बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अपर एज की बात करें तो 30 साल आपका एज मांगा गया है। दूसरी पोस्ट जो टेक्निकल असिस्टेंट है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसमें भी अपर एज की बात करें तो 30 साल का एज मांगा गया है। अगली पोस्ट टीए टेक्निकल टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस में मांगा गया है। इसमें भी बात कर लें अपर एज की तो 30 साल है। अगली सीट जो निकल के आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्लास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या फर्स्ट क्लास बीए बीटेक, या फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री। अगली पोस्ट टीए यानी टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ भी आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्लास 3 साल का आपके पास बैचलर डिग्री जो कि फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। अगली पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट जो कि टॉक्सिकोलॉजी में है, यानी आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट है लेकिन कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद बायोमेडिकल है, इसी तरह से यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे इसमें भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चूँकि जो जिस ट्रेड से है वो मांगा गया है। देख पा रहे होंगे हर सब्जेक्ट से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण से भी यहाँ पर वैकेंसी है। देख पा रहे होंगे यहाँ भी फर्स्ट क्लास जो कि 3 साल का बैचलर डिग्री जो कि साइंस में मांगा गया है, इन्वायरमेंट साइंस टेक्निकल असिस्टेंट MLT, यहाँ पर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री देख पा रहे होंगे। एज की बात करें तो अपर एज लगभग सभी में 30 साल मांगा गया है। यहाँ पर अगली सीट TAIT, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगा गया है, या अगर आपके पास फर्स्ट क्लास से बीए बीटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 30 साल जो कि अपर एज इसमें ही मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स जो कि फर्स्ट क्लास 3 साल का ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, तो देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन 1 में इसमें आपका 12 यानी इंटरमीडिएट पास साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ अगर आपके पास 12 पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो 28 साल एज मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10वीं पास जो कि 50% मार्क के साथ अगर आपके पास ITI है जो कि जो ट्रेड दिया गया है उस ट्रेड में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 25 साल एज मांगा गया है, देख पा रहे होंगे ये फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने में जो आपका फ़ी रखने वाला है वो देख पा रहे होंगे 300 फी रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।